शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। मेरे पीछे संसद है, संसद भवन के पास हूं मैं। देख रहे हैं ये तस्वीरें, संसद भवन है, लेकिन संसद जो है वो अब गुलाम हो गया है। संसद में बैठे लोग अंबानी अडानी के गुलाम हो गए है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसान आंदोलन से साफ हो गया। सोचिए, इस देश में 131 SC ST के सांसद हैं तमाम पार्टियों में, 182 के करीब OBC के सांसद हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। क्या अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो MSP का बिल लाया गया है, जमीन कब्जा करना चाहते हैं, क्या इस देश का किसी भी सांसद की इतनी हैसियत नहीं कि वो बोले? अब आप सोचिए कि BJP RSS पर किसका कंट्रोल है? क्या RSS और BJP सांसदों से चलती है? क्या ये सरकार सांसदों से चल रही है, या ये सरकार जो है वो अंबानी अडानी चला रहे हैं, इस देश के उद्योगपति चला रहे हैं? बहुत पहले अजय कबीर ने एक पोस्ट लिखा था कि ये जो संसद आप पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये मजाक का अड्डा है, यहाँ हंसी ठिठोली होती है, एक दूसरे से गाली गलौज होता है, लेकिन जो कानून है, जो देश चलाने की नीति है, जो कब्जा करने की नीति है, वो एंटीलिया जो मुकेश अंबानी का घर है वहाँ से बनता है। तो इस बात में सच्चाई तो है। आखिर बताइए कि मोदी सरकार को वो ताकत कहाँ से मिलती है कि जनता सड़कों पर है, उसके बाद भी उसके सांसद नहीं बोल रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि EVM और मीडिया, एक तो मोदी के साथ मीडिया है जो इस खबर को दबा के बैठ गई है, और दूसरा इस देश के EVM है सरकार। अभी आप देखिए, हैदराबाद में नतीजे आ गए हैं, वहाँ का गुणगान किया जाएगा। तो क्या इस देश के जो 543 सांसद हैं वो सब के सब EVM के गुलाम हैं, वो इस देश के कॉरपोरेट के गुलाम हैं, या किसी के अंदर, एक छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रकाश सिंह बादल, वो भी पंजाब से आते हैं, बेनीवाल साहब जो किसान नेता है उनका शुक्रिया, जो कि राजस्थान से आते हैं, उसके बाद कहीं से भी जो संसद भवन में बैठे हैं उनकी आवाज़ नहीं उठ रही है। तेजस्वी यादव ने विरोध किया है, अखिलेश यादव ने विरोध किया है, लेकिन जो बीजेपी में एक जो बीजेपी के सांसद हैं 300 के करीब, आप समझिए, कल्पना कीजिए कि क्या उनसे में से किसी की आवाज़ नहीं उठ रही है? उसमें से कोई किसान नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, कोई दलित नहीं है। ये SC ST OBC के जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं? वो किसानी को दर्द नहीं समझते हैं? कितना शर्मनाक है, इस देश का लोकतंत्र को मजाक बना दिया है कि संसद जो है वो मौन है, क्योंकि सांसद मौन है मतलब संसद मौन है। सोचिए, जिस GST के लिए संसद को रात में खोला जाता है, बिल लाया जाता है, उस संसद में किसानों की कोई सूद लेने वाला नहीं है, और इस देश में हिंदू की राजनीति करने वाले, बताइए किसान कौन है? सिर्फ मुसलमान है क्या? सिर्फ दलित है क्या? ये तो अब जाट, गुर्जर, पटेल है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश गुलाम है अंबानी अडानी का, बिजनेसमैन का। इस देश की संसद मौन है, इस देश के सांसद गुलाम है। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार जो है वो इस तरह का व्यवहार नहीं करती, और कम से कम बीजेपी के खिलाफ बीजेपी में ही बगावत शुरू होती। क्या बीजेपी का एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का सांसद नहीं है, किसानों का सांसद नहीं है? किसान जाति, जाट, गुर्जर, पटेल, कोई नहीं बोल रहा है। तो सोचिए, सत्ता किस तरह से आपको कमजोर बना देती है, नपुंसक बना देती है, और इस देश पर अंबानी अडानी का कब्जा है। अब किसानों के हाथ में कि उसको बचाए, 5 तारीख को उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है, शायद आखिरी दौर की बातचीत भी है, लेकिन ये तो तय है कि यह देश की संसद मौन है, इस देश के सांसद गुलाम है, और इस देश को सिर्फ अंबानी और अडानी चला रहे हैं। आज साफ हो गया कि दलित का आंदोलन क्यों फेल होता है, पिछड़ों का आंदोलन क्यों फेल होता है। तो जाट, गुर्जर, पटेल, तमाम किसान जातियों का कोई नाम लेने वाला नहीं है, और ये सांसद चुप हैं। हम लोग पहले कहते थे कि दलित अत्याचार पर 131 सांसद क्यों नहीं बोलते हैं, OBC अत्याचार पर 182 OBC के वो क्यों नहीं बोलते हैं। यहाँ तो सच्चाई है कि 543 के 543 जो सांसद हैं वो अंबानी अडानी के गुलाम हैं। तो क्या मोदी देश का जो प्रधानमंत्री है वो बिजनेसमैन के इशारे पर चलता है? सवाल तो पैदा होता है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारियों से आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक प्रधानमंत्री इतना अहंकारी कैसे हो सकता है कि वो अपने ही जनता से बात न करें? मनमोहन सिंह की तस्वीर देखिए कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री से मिलते थे। राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, इस देश की जुडिशियरी को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन इस देश की मीडिया ने सबको सरकार के साथ खड़ा किया, जो सरकार के साथ नहीं है उसको राष्ट्र विरोधी कहती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश को अंबानी अडानी चला रहे हैं, इस देश के 543 सांसद जो हैं वो सब मौन हैं। अब जनता को ही आखिर सड़क पर आना होगा, जनता को ही अपने संसद को बचाना होगा,
और नए सांसदों को भेजना होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे उम्मीद है किसान इस देश को जरूर बचाएगा, लोकतंत्र को बचाएगा और इस संसद को भी बोलने के लिए मजबूर करेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।